ऑफ दल इस कोशिश में लगी हुई थी कि उनका भाजपा से तालमेल हो जाए, लेकिन अब जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ा करके ये संदेश दे दिया है कि हुड्डा को भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक पर भारी नहीं पड़ने दिया जाएगा। अब सोनीपत संसदीय क्षेत्र जाट और नॉन जाट के बीच उलझकर न रह जाए, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार कर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। याद रहे, जेजेपी ने हुड्डा के आने के बाद ही दिग्विजय को मैदान में क्यों उतारा, सवाल ये पैदा होता है कि सोनीपत लोकसभा संसदीय क्षेत्र कभी झज्जर का हिस्सा था और पहला सांसद यहां से नॉन जाट 1951 में लाला घमंडी लाल बने थे, जो कि अग्रवाल समाज से ताल्लुक रखते थे और वर्ष 1970 से वर्ष 1951 तक जाट समुदाय से सांसद बने रहे, जबकि बीच में वर्ष 1996 में अरविंद शर्मा निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते थे। के बाद वर्ष 2009 तक जाट प्रत्याशी का कब्जा रहा, जबकि वर्ष 2014 में रमेश कौशिक ने कांग्रेस के जगवीर मलिक को पटकनी देकर कामयाबी हासिल की थी। अब देखना ये है कि सीट पर कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थप्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।